हेलो फ्रेंड्स वेरी वॉम वेलकम टू एल के अकेडेमी आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ सेफ एंड डूइंग वेल एट योर होम सो वेलकम टू द करंट अफेयर्स लेक्चर्स एंड टूडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द करंट अफेयर्स लेक्चर्स और करंट अफेयर्स टॉपिक्स ऑफ द जुलाई मंथ जो जितने भी नेशनल इम्पॉर्टेंस इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस के जो न्यूज़ है दैट वी विल स्टार्ट आई होप के जून तक के आपके सारे जो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स थे आई वी हैव ऑलरेडी

ऑन दी स्कीम कॉल्ड ओ एन ओ आर सी ना वॉट इज ओ एन ओ आर सी स्कीम तो वो है वन नेशन वन रेशन कार्ड सिस्टम फॉर माइग्रेंट वर्कर्स ओके वी ऑलरेडी नो क्या है ये स्कीम तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह स्कीम लॉन्च की थी ट्वेंटी एटीन ट्वेंटी नाइनटीन में और उसमें द मेन पर्पज़ जो था वो ये था कि भाई देश में कोई भी इंसान चाहे देश के किसी भी कोने में काम कर रहा हो मजदूर मज़दूर वर्ग का जो आदमी है वो भूखा ना है उसको सब्सिडाइज रेट पे अनाज मिलना चाहिए ठीक है जो सब्सिडाइज्ड क्रॉप्स है वो उसको मिलने चाहिए इस आइडिया के साथ इस गोल के साथ वन नेशन वन रेशन कार्ड को लागू किया गया था पायलट प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट किया गया था तो पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था गुजरात महाराष्ट्र में एंड तेलंगाना आंध्र प्रदेश में क्या ये स्कीम के अगर मान लीजिए कि कोई भी स्टेट का वर्कर माइग्रेंट वर्कर अगर किसी और स्टेट में काम कर रहा है तो पहले ये होता था कि राशन कार्ड आपका स्टेट में ही चल सकता था तो अगर आपको सब्सिडाइज आइटम्स चाहिए तो आपको अपने स्टेट के असाइंड शॉप से ही आपको वो सामान मिल सकता था गेहूँ हो गया चावल हो गया नमक हो गया चीनी हो गई ऑयल हो गया एडिबल ऑयल हो गया ओके okay, तो ये सारी चीज़ें आपको वहीं से मिल सकती थी बट अगर मान लीजिए कि ओडिशा का कोई आदमी कोई माइग्रेंट फैमिली अगर गुजरात में काम करता है तो उसको वो महंगा सामान खरीदना पड़ेगा तो वो चीज़ अब बंद हो जाएगी उसको सब्सिडाइज रेट पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो इन एनी ऑफ दी स्टेट्स मिलेगी इफ़ ही और शी हैज़ द वैलिड राशन कार्ड ओके स्टेट की सब्सिडी नहीं मिलेगी अगर ओरिस मान लीजिए जो एग्जाम्पल मैंने दिया ओडिशा गवर्नमेंट अगर कोई एक्स्ट्रा सब्सिडी दे रही होगी तो वो गुजरात में नहीं मिलेगी बट सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी फूड सब्सिडी आपको राशन कार्ड के ऊपर मिलेगी और उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दिया है बिकॉज सम ऑफ द स्टेट्स वर नॉट विलिंग टू इम्प्लीमेंट दी स्कीम इन देयर स्टेट्स दिल्ली हो गया वेस्ट बंगाल हो गया तो ऐसे जो स्टेट्स थे क्यों अब ये स्टेट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस क्योंकि वहाँ पे अलग पार्टीज़ की गवर्नमेंट है और वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते थे दैट्स वाई दे हैव डिसाइडेड कि भाई हम ये लागू नहीं करेंगे uh, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके खिलाफ कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने इन स्टेट्स को बताया है कि यू हैव टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम इन योर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, ओके क्योंकि ये पूरा कंट्रोल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिनाई दिस सो रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम बाई थर्टी फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन दिस स्कीम अलाउज माइग्रेंट लेबरर्स कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट टू एक्सेस फूड एट एनी फेयर प्राइज शॉप विथ हिज़ और हर रेशन कार्ड इन एनी पार्ट ऑफ दी कंट्री ठीक है तो बेसिकली देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये लाया गया है कि भाई हर किसी बंदे को खाना मिलना चाहिए फूड सिक्योरिटी एक्ट कोई भूखा नहीं रहना चाहिए और इसी वजह से जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको सब्सिडाइज रेट पर गेहूँ चावल दिए जाएंगे एंड दैट इज़ कॉल्ड इज़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट राइट टू फूड है सो द फंडामेंटल राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बी इंटरप्रिटेड टू इंक्लूड द राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी हैविंग द राइट टू फूड एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज राइट टू लिव कब सक्सेसफुल हो सकता है या कब वैलिडेट हो सकता है या कब जस्टिफाई हो सकता है जब आपके पास अच्छा खाना हो जब खाओगे नहीं तो जी कैसे पाओगे सो so आर्टिकल 21 को अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकुलेट किया राइट इम्पोर्टेंस ऑफ माइग्रेंट्स क्या है अब देखिए मान लीजिए कि गुजरात तमिलनाडु महाराष्ट्र जैसे जो स्टेट्स है क्यों इंडस्ट्रियल लेवल पे इतने आगे है क्योंकि उनके पास अच्छा लेबर है अब वो लेबर जो है दैट इज़ नॉट ए लोकल लेबर वो लेबर माइग्रेट किया गया है माइग्रेंट वर्कर से वो लेबर लाया गया है कौन से कौन से स्टेट से जो लेबर प्रोवाइड करते हैं उत्तर प्रदेश बिहार ओरिसा झारखंड छत्तीसगढ़ वेस्ट बंगाल ऐसे जो स्टेट है वहां से लाखों की संख्या में लेबर्स कर्नाटका तमिलनाडु महाराष्ट्र गुजरात जैसे स्टेट्स में काम करते हैं तो सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वन नेशन वन रेशन कार्ड का वो तो इन माइग्रेंट लेबरर्स को होगा राइट एंड क्यों वो इंपॉर्टेंस है अगर लेबर निकाल दिया जाएगा आपने लॉकडाउन में देखा कि कितनी दिक्कत हो रही है एक फैक्ट्री चलाने में या एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने में क्यों क्योंकि सारे जो यूपी बिहार वाले जो लोग हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स थे लेबरर्स थे वो चले गए राइट सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर्स सो देर आर अराउंड थर्टी एट करोड़ वर्कर्स एंगेज इन दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस डाटा ऑफ ट्वेंटी सेवनटीन एटीन तो देखिए थर्टी एट करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स है एंड दिस इज नॉट ओनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर ओके आंकड़ा अगर जब बड़ा होगा जब आप ऑर्गेनाइज सेक्टर के माइग्रेंट वर्कर्स को इंक्लूड करोगे हो सकता है कि आपने इंजीनियरिंग यहाँ पर की गुजरात में गुजरात में आपको नहीं मिली जॉब आपको महाराष्ट्र में जाकर जॉब मिल रही है राइट सो यू आर ऑल्सो कॉल्ड अ माइग्रेंट वर्कर ओके बट इन अ ऑर्गेनाइज सेक्टर सो दिस अनऑर्गेनाइजड वर्कर्स डिड नॉट हैव एनी परमानेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड हैव एंगेजड इन स्मॉल वोकेशन एंड ऑक्यूपेश वरियस प्लेस अवे फ्रॉम देयर नेटिव प्लेसिस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिसबर्स टुवर्ड्स डिफरेंट प्रोजेक्ट इंडस्ट्रीज मेक कंसिडरेबल एडिशंस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप Uh, गुजरात से लेबरर्स को निकाल दोगे तो गुजरात के जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनका चलना मुश्किल हो जाएगा एंड दैट इज़ दी कोर ऑफ दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दिस डेवलप्ड स्टेट्स अगर लेबरर्स लेबरर्स को आप निकाल दोगे सो उसकी जो कोर है वो निकल जाएगी ओ एन ओ आर से क्या है आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड उसके स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ट्वेंटी थर्टीन अबाउट एटी वन करोर पीपल आर एंटाइटल्ड टू बाई सबसिडाइज फूड ग्रेन्स राइज एट थ्री रुपीज पर के जी वीट एट टू रुपीज पर के जी एंड कोअर्स ग्रेन एट वन रुपीज पर के जी फ्रॉम डेजिग्नेटेड फेयर प्राइज शॉप जिसको आप एफ पी एस कहोगे इन शॉर्ट ओके हावेवर एन एफ एस ए बेनिफिशरीज वर नॉट एबल टू एक्सेस देर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेनिफिट आउटसाइड दूरिडिक्शन ऑफ द स्पेसिफिक फेयर प्राइज शॉप टू विच दे हैव बिन असाइंड ठीक है आपको पहले गवर्नमेंट बताती थी कि दीज आर फ्यू फेयर प्राइज शॉप राशन की दुकान है वहीं जाके आपको सब्सिडी मिलेगी अगर आप किसी आउट ऑफ द रीजन या आउट ऑफ द असाइंड फेयर प्राइज शॉप में जाते हो राशन की दुकान में जाते हो तो यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी काइंड ऑफ सब्सिडी जिसको अब बंद कर दिया गया है पूरा सिस्टम अब सेंट्रलाइज्ड हो गया है बाई इंट्रोड्यूसिंग ओ एन ओ आर सी द आइडिया वॉज टू रिफॉर्म दी डी एस विच हैज़ बीन हिस्टोरिकली मेड बाई इन एफिशियंसी एंड लीकेजेस तो पहले काफ़ी करप्शन भी होता था अब सारी चीज़ों को ऑनलाइन पोर्टल पर ला कर रख दिया गया है एप्लीकेशन लॉन्च कर दी गई है ताकि सारा डेटा ऑनलाइन आप ट्रैक कर सकते हो लॉन्च कब हुआ था सो ओ एन ओ आर सी वॉज लॉन्च इन ऑगस्ट ट्वेंटी नाइनटीन और हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फूड डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री जो है उसके तरफ से ये लॉन्च किया गया था रामविलास पासवान वॉज देन मिनिस्टर uh, Of Food Processing Ministry. Okay, so the ONORC scheme is aimed at enabling migrant workers and their family members to buy subsidised subsidised ration from any fair price shop anywhere in the country under Food Security Act. To promote these reforms in the PDS, the government has provided incentives to states and also set a प्री कंडीशन फॉर एडिशनल बोरोइंग बाई स्टेट्स ड्यूरिंग दी कोविड नाइनटीन पेंडेमिक लास्ट ईयर बट स्टिल कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने पोलिटिकल रीजन की वजह से इसको अपने यहाँ पर लागू नहीं किया ओ एन ओ आर सी कवरेज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो पायलट प्रोजेक्ट था वो गुजरात महाराष्ट्र एंड and आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्टार्ट किया गया था एज पर दरिंग स्टेट्स सो टिल डेट थर्टी टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव ज्वाइंट दी ओ एन ओ आर सी

पेश uh, होने में लोगों तक पहुंचने में हो सकता है कि और एक दो साल का समय लग जाए बेनिफिट्स किसको मिलेंगे सो अंडर दी ओ एन आर सी द बेनिफिशरीज फ्रॉम वन स्टेट कैन गेट शेयर ऑफ राशन इन अदर स्टेट्स वेर द राशन कार्ड वॉज ओरिजिनली इश्यूड ओ एन ओ आर सी विल ऑल्सो गिव द बेनिफिशरीज द अपॉर्चुनिटी टू ऑप्ट फॉर द डीलर ऑफ देयर चॉइस अब मैं चॉइस कर पाऊंगा कि मुझे कौन सी दुकान से राशन का सामान खरीदना है इट विल बी पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर वुमन एंड अदर डिसडवाटेज ग्रुप्स गिवन हाउ सोशल आइडेंटिटी एंड अदर कॉन्स्टेक्चुअल फ्रैक्चर्स प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बैकड्रॉप इन एक्सेसिंग पी डी एस जो कि अब पॉसिबल हो पाएगा जो पहले पॉसिबल नहीं था राइट अब तक क्या होता था कि अगर आप मान लीजिए कि अगर डिसेबल्ड हो तो डिसेबल्ड लोगों को अगर अपने रीजन से कभी बाहर गए तो उन लोगों को महंगा सामान ही खरीदना पड़ता था Uh, जो कि अब नहीं होगा दिस विल हेल्प अचीव द टारगेट सेट अंडर एस डी जी टू ऑल्सो इट विल एड्रेस द पुअर स्टेट ऑफ हंगर इन इंडिया एज हाईलाइटेड बाई द ग्लोबल हंगर इंडेक्स वेर इंडिया हैज बिन रैंक्ड नाइंटी फोर आउट ऑफ वन जीरो सेवन कंट्रीज यू कैन इमेजिन अगर एटी टू जितने बेनिफिशियरीज है एक सौ पैंतीस करोड़ के देश में जिनको राशन से खाना देना पड़ रहा है सो देर इज अ हंगर गैप इन इंडिया और लार्ज uh, ग्लोबल हंगर हमारे यहां पर है ओके okay, और ग्लोबल हंगर में जब इसको मेजर uh, किया गया सो वी वर फोर आउट ऑफ दी वन जीरो सेवन कंट्रीज नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू कम्प्लीशन ऑन फोर इयर्स ऑफ़ जीएसटी तो जीएसटी लाया लाया गया था फर्स्ट जुलाई 2017 को रिसेंट फर्स्ट जुलाई 2021 में हमें उसके चार साल ख़त्म होते हुए दिखे सो रिसेंटली सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स डिसाइडेड टू फेलिसिटेट अराउंड फिफ्टी फोर थाउज स्पेयर्स टू मार्क द कम्पलीशन ऑफ़ फोर ईयर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स ठीक है काफी सारे उतार चढ़ाव आए कई बार टैक्सेस में फेरबदल किए गए काफी सारा अपोज हुआ बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड रिफॉर्म लॉन्ग वे में अगर इसको देखा जाए तो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड रिफॉर्म क्या है जी एस टी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सो पहले काफी अलग अलग टैक्स भरने पड़ते थे अब उन सारे टैक्सेस को मिलाकर एक कॉन्सोलीटेड टैक्स बना दिया गया और जिसको नाम दे दिया गया जी एस टी सो दी एस टी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लेविड ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पन द जी एस टी इज पेड बाय कंज्यूमर्स बट इट इज रेमिटेड टू द गवर्नमेंट बाई द बिजनेसिसज सेलिंग द गुड एंड सर्विसेज तो आप भी अगर कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट खरीदते हो कोई गुड्स खरीदते हो तो उसके ऊपर आप जीएसटी पे करते हो इवन इफ यू गो टू अ रेस्टोरेंट तो रेस्टोरेंट इज रेस्टोरेंट फॉल्स अंडर द सर्विसेज कैटेगरी ठीक है आप सर्विस ख़रीद रहे हो रेस्टोरेंट के पास तो जब रेस्टोरेंट का बिल आएगा तो आपको वहाँ पे आ, सेंट्रल गवर्नमेंट का जी जीएसटी एंड स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी आपको दिखेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी सो जी एस टी विच सब समलमोस्ट ऑल डोमेस्टिक इंडिरेक्ट टैक्सेस दैट इज पेट्रोलियम अल्कोहॉलिक बेवरेजिज एंड स्टेप ड्यूटी आर द मेजर एक्सेप्शन दो थे अंडर वन हैड एक अम्बरेला के अंदर सारे टैक्सेस को काउंट कर लिया गया इस पर बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म इन दिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इट वॉज लॉन्च इन टू ऑपरेशन ऑन द मिड नाइट ऑफ फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी सेवनटीन फीचर्स ऑफ द जी एस टी क्या क्या है सो अप्लीकेबल ऑन सप्लाई साइड सो जीएसटी एप्लीकेबल ऑन सप्लाई साइड ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज अगेंस्ट ऑन द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और ऑन सेल ऑफ गुड्स और ऑन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेस ठीक है तो जो पूरा चेन uh, था उसको ऑल्टर कर दिया गया अब सप्लाई साइड में ठीक है आप अगर इफ यू आर टेकिंग एनी प्रोडक्ट और यू आर टेकिंग एनी सर्विसेज देन यू विल बी पेइंग द टैक्स एंड नॉट द बिजनेस उसके ऊपर बिजनेस आगे गवर्नमेंट को पे करेगा ऑन योर बिहाफ ओके डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन हो गया सो जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्सेशन एज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन ठीक है अब सोर्स से पैसा वसूला जा रहा है जब पहले मैन्युफैक्चरर से पैसा वसूला जा रहा था अब कंज्यूमर से उसका पैसा वसूला जाएगा ड्यूअल जीएसटी क्या है सो इट इज़ अ ड्यूअल जीएसटी विद द सेंटर एंड द स्टेट साइमल्टेनियसली लेविंग टैक्स ऑन अ कॉमन बेस जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेस्टोरेंट के बिल पर जब आप देखोगे तो वहाँ पे आपको सी जी एस टी और एस जी एस टी दोनों दिखेगा दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट जी एस टी एंड स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ओके सो द जी एस टी टू बी लेवाइड बाई देंटर इज कॉल्ड सेंट्रल जी एस टी सी जी एस टी एंड दैट टू बी डिवाइड बाई दज कॉल्ड स्टेट जी एस टी तो जी एस टी का जो एक्ट बना है उसके अंदर ये सारी चीज़ें नॉम लिखी गई है कि कौन सी चीज़ों पर दोनों टैक्स लगेंगे कौन सी चीज़ों पर सिर्फ एक टैक्स लगेगा कैटेगरीज आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन दार्केट सो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज वुड बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाईज एंड वुड बी सब्जेक्ट टू इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज दैट इज आई जी एस टी इन एडिशन टू एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटीज तो अगर आप इंटर स्टेट का भी ट्रैवल कर रहे हो तो वहां पे आपको आईजीएसटी भी वो गुड्स के ऊपर देना पड़ेगा जीएसटी रेट्स टू बी डिसाइडेड सो सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी आर लेवाइड एट रेट्स टू बी म्यूचुअली अग्रीड बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स और एक पूरी कमिटी बनाई गई है विच इज चेयर्ड बाई आवर फिनेस मिनिस्टर और सारे स्टेट्स के जो फिनेंस मिनिस्टर है वो उसके मेंबर्स होंगे द रेट्स आर नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जी एस टी काउंसिल तो ये जो कमिटी है दैट इज नोन एज जी एस टी काउंसिल मल्टीपल रेट्स क्या है सो जी एस टी इज लेविड एट फोर रेट्स फाइव परसेंट ट्वेल्व परसेंटीन परसेंट एंड ट्वेंटी स्केडूल्ड और लिस्ट ऑफ द आईटम्स दैट वुड फॉल अंडर दिज मल्टीपल स्ल आर वर्कड आउट बाई द जी एस टी काउंसिल

वो वहाँ पे हो सकते हैं इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फेडरल बॉडी वेर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट गेट ड्यू रिप्रेजेंटेशन ठीक है क्योंकि वहाँ पे आप स्टेट के टैक्सेस के बारे में भी आपको बात करनी है वो भी डिसाइड करना है तो इस आ, कमिटी में जी काउंसिल में आपको हर स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा एंड यूनियन गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ओके सो दिस इज ऑल अबाउट जीएसटी वी हैव कंप्लीटेड फोर इयर्स विथ सो मेनी अपस एंड डाउन विथ सो मेनी कॉन्ट्रोवर्सीज एज वेल नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ निपुण भारत मिशन क्या है निपुण भारत मिशन सो द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ लॉन्चड निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशियंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी भारत स्कीम तो ये निपुण भारत स्कीम को लॉन्च किया गया है निपुण स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग इन न्यूमरेसी इट एम्स टू कवर द लर्निंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ थ्री टू नाइन ठीक है जिस तरीके से आपको कॉलेज लेवल के बच्चों को पढ़ाते हो उस लेवल से उस मेथड से आप थ्री टू नाइन एज ग्रुप के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते राइट बिकॉज दे आर जस्ट स्टार्टिंग

उसी मेथड से आज के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है विच इज़ नॉट इन प्लेस वो प्लेस में नहीं है क्यों क्योंकि 10 सालों में 15 सालों में पिछले 20 सालों में जो आपके आसपास का जो वर्ल्ड है दैट इज़ कंप्लीटली चेंज्ड दैट इज ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म्ड और अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पढ़ाई में नहीं आता है देन दैट इज गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स इन फ्यूचर तो वो ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ाई में लाने के लिए पढ़ाई के मेथड्स में लाने के लिए एजुकेशन में उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई ऑब्जेक्टिव क्या था बेसिकली टू क्रिएट एन एनेबलिंग एनवायरमेंट टू एंश्योर यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी सो दैट एवरी चाइल्ड अचीव्स द डिज़ायर्ड लर्निंग कॉम्पिटेंसीज इन रीडिंग राइटिंग एंड न्यूमेरेसी बाई द एंड ऑफ ग्रेड थ्री बाई ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन फोकस एरियाज कौनसे कौन से थे सो इट विल फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एक्सेस एंड रिटेनिंग चिल्ड्रन इन फाउंडेशनल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग टीचर कैपेबिलिटी बिल्डिंग डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी एंड डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट एंड टीचर रिसोर्स लर्निंग मटेरियल्स एंड ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ ईच चाइल्ड इन अचीविंग लर्निंग आउटकम्स काफ़ी सारी जगहों पर यह देखा गया है इन गवर्नमेंट स्कूल्स बेसिकली कि सेवेंथ एटथ के बच्चे को ठीक से पढ़ाई नहीं आती उसको नहीं पता कि फाइव प्लस फाइव कितने होंगे उसको नहीं पता कि फाइव इंटू फाइव कितना होगा तो जब आप ऐसे बच्चों को आगे भेजोगे फ़ॉर कॉमर्स ग्रेजुएट फॉर साइंस ग्रेजुएट फॉर इंजीनियरिंग दे विल नॉट सर्वाइव अब जब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जॉब नहीं कर पाएंगे देन हाउ विल दे बिकम अ गुड सिटीजन और हाउ विल दे बी अ प्रोडक्टिव सिटीजन इन द कंट्रीज इकोनॉमी राइट right. वो कंट्री के ऊपर बर्डन बन जाएंगे तो कंट्री ये नहीं चाहती गवर्नमेंट ये नहीं चाहती राइट right. तो इसीलिए ये सारी चीज़ें अगर बेस आपका क्लियर होगा तो जो फाउंडेशन होगा दैट विल बी स्ट्रॉन्ग और उसी के लिए निपुण भारत स्कीम लाई गई है इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा निपुण भारत स्कीम का सो so, निपुण भारत विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अ फाइव टीयर इंप्लीमेंटेशन मिकैनिज्म विल बी सेटअप एट दी डिफरेंट लेवल्स ओके कौन से ये फाइव टीयर्स और फाइव स्टेप्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन होंगे तो नेशनल लेवल की एजेंसी होगी देन स्टेट लेवल पर उसको मॉनिटर किया जाएगा और माइक्रो मेकेनिज्म किया जाएगा माइक्रो मॉनिटरिंग किया जाएगा एट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक एंड स्कूल लेवल्स इन

स्कूल एजुकेशन होलिस्टिकली फ्रॉम प्री स्कूल टू दी सेकेंडरी एजुकेशन राइट तो देखिए होलिस्टिक अप्रोच से अगर छोटे बच्चों को पढ़ाया जाएगा प्री स्कूल से प्री प्राइमरी सेक्शन से अगर ये चीज़ होगी तो द ओवरऑल एजुकेशन विल बिकम होलिस्टिक एंड बेटर अ स्पेशल पैकेज फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी अंडर निष्ठा इज़ बींग डेवलप्ड बाई एन सी ई आर टी वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट निष्ठा स्कीम वो पुरानी स्कीम है जस्ट uh, ये अगेन वी आर हियरिंग अबाउट इट सो निष्ठा क्या है सो नेशनल इनिशियेटिव फॉर स्कूल हैड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट सो जो गवर्नमेंट स्कूल के जो प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी दैट हाउ यू शुड कम्युनिकेट विद स्टूडेंट हाउ यू शूड टीच स्टूडेंट्स हो सकता है कि अगर एक क्लास में तीस बच्चे हैं तीस स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट को अलग अप्रोच की ज़रूरत हो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वन अप्रोच इज़ अप्लीकेबल टू ऑल तो ये सारी ट्रेनिंग निष्ठा स्कीम में टीचर्स को दी जाएगी अराउंड ट्वेंटी फाइव टीचर्स टीचिंग एट प्री प्राइमरी टू प्राइमरी ग्रेड विल बी ट्रेंड दिस ईयर ऑन एफ एल एन निष्ठा इज अ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग स्टेज वाइज टारगेट्स आर बींग सेट इन अ कंटिन्यूम फॉर दी प्री प्राइमरी और बालवी बालवाटिका क्लासेस तो सारे ही टीचर्स को Uh, ये ट्रेनिंग दी जाएगी ओके एंड दीज आर दी बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दी निपुण भारत स्कीम ताकि बच्चों को होलिस्टिक अप्रोच से पढ़ाया जा सके नॉट ओनली द बुकिश नॉलेज बट दी होलिस्टिक नॉलेज विल भी प्रोवाइड टू स्टूडेंट दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव एंड एम ऑफ द निपुन भारत स्कीम एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होंगे वी हैव ऑलरेडी डिसकस्ड दिस सो फाउंडेशनल स्किल अनेबल टू कीप चड्रन इन क्लास दे आर बाई रिड्यूसिंग द ड्रॉप आउट एंड इम्प्रूव ट्रांजिशन रेट फ्रॉम प्राइमरी टू अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेजेस सो इंडिया में दिस इज द मेजर इश्यू कि प्राइमरी में ही जो बच्चे हैं जो स्पेशली जो पुअर uh, बैकग्राउंड वाले जो बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ जाते हैं तो ऐसा ना हो इसकी वजह से ये uh, मदद करने मदद करेगा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड अ कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इनोवेटिव पेडागोजीज़ सच टॉय बेस्ड एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग विल बी यूज इन क्लासरूम ट्रांजिशंस देअर बाय मेकिंग लर्निंग अ जॉयफुल एंड एंगेजिंग एक्टिविटी

इमोशनल डेवलपमेंट लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी डेवलपमेंट कॉग्नेटिव डेवलपमेंट लाइफ स्किल्स एक्सेट्रा विच आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट विच विल बी रिफ्लेक्टेड इन अ होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड सिंस ऑलमोस्ट एवरी चाइल्ड अटेंड्स अर्ली ग्रेड देयर फॉर फोकस एट दैट स्टेज विल ऑल्सो बेनिफिट द सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजियस ग्रूप दैट दस एनश्योरिंग एक्सेस टू इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन तो ये सारे इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज मलेरिया फ्री चाइना सो रिसेंटली चाइना को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है बाय दी वर्ल्ड हेल्थ एजेंसी दैट इज डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड चाइना एज मलेरिया फ्री इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ सेवन डेकेड लॉन्ग मल्टी प्रॉन्ग्ड हेल्थ स्ट्रेटेजी दैट वॉज एबल टू एंटायरली एलिमिनेट इंडिजीनियस केसेस फॉर फोर स्ट्रेट ईयर्स राइट right, तो मलेरिया फ्री के लिए जो पहली कंडीशन है कि आपके कंट्री में थ्री स्टेट स्ट्रेट ईयर्स तक मलेरिया के केसेस नहीं होने चाहिए राइट right? और चाइना हैज़ अचीव दैट और चाइना ने ये प्रूव करके दिखाया कि चार स्ट्रेट uh, ईयर्स तक दे डू नॉट हैव एनी केसेस ऑफ मलेरिया सो क्या है मलेरिया फ्री स्टेटस Uh, एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस होगी जो डब्ल्यू एच ओ के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी सो सर्टिफिकेशन ऑफ मलेरिया एलिमिनेशन इज द ऑफिशियल रिकोगनिशन बाई डब्ल्यू एच ओ ऑफ अ कंट्रीज मलेरिया फ्री स्टेटस डब्ल्यू एच ओ ग्रांट्स द सर्टिफिकेशन वेन अ कंट्री हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड विथ रिगरस क्रेडिबल एविडेंस दैट द चेन ऑफ इंडिजीनियस मलेरिया ट्रांसमिशन बाई एनाफिलिस मॉस्किटोज हैज़ बीन इंटरप्टेड नेशन वाइड फॉर एटलीस्ट द थ्री कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स ओके सो वी ऑलरेडी नो दैट हाउ मलेरिया हैज़ बीन बोर्न सो कंट्री मस्ट ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट द कैपेसिटी टू प्रिवेंट द री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रांजिशन सो डब्ल्यू एच ओ ये भी इंश्योर करेगा कि कंट्री के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है कि जिससे आने वाले सालों में इन फ्यूचर वापस मलेरिया आउटब्रेक वहाँ पे ना हो जाए द फाइनल डिसीजन ऑन अवॉर्डिंग अ मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन रेस्ट विद द डब्ल्यू एच ओ डेक्टर जनरल बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन बाई द इंडिपेंडेंट मलेरिया एलिमिनेशन सर्टिफिकेशन पैनल वेस्टर्न पेसिफिक रीजियन में क्यों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चाइना को यह स्टेटस मिला है सो चाइना इज द फर्स्ट कंट्री इन डब्ल्यू एच ओ वेस्टर्न पैसेफिक रीजियन टू बी अवॉर्डेड अ मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन इन मोर देन थ्री डेकेड्स अदर कंट्रीज कौन से हैं जिसको ऑलरेडी मलेरिया स्पेसिफिक मलेरिया एलिमिनेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है तो वो कंट्रीज़ है इन वेस्टर्न पैसिफिक रीजन द कंट्रीज दैट हैव अचीव्ड दिस स्टेटस इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया को मिला था 1981 इन वेस्टर्न पैसिफिक रीजन सिंगापुर इन 1982 एंड ब्रुने दारो इन 1987 देखिए इंडिया को अभी भी मलेरिया फ्री कंट्री का सर्टिफिकेशन नहीं मिला है इंडिया इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड टू अचीव दिस गोल बाई ट्वेंटी राइट और इसीलिए इंडिया uh, में काफ़ी सारे मलेरिया एलिमिनेशन के प्रोग्राम्स चल रहे हैं बट एज ऑफ नाउ वी आर इन द क्यू ग्लोबल स्टेटस क्या है सो so ग्लोबली 40 कंट्रीज एंड टेरिटरीज हैव बिन ग्रांटेड अ मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन फ्रॉम डब्ल्यू मोस्ट रिसेंटली जिनको मिला है पिछले दो तीन सालों में दो हज़ार एल सालवाडोर जिसको मिला है 2021 में अल्जीरिया 2029 में अर्जेंटीना 2019 में पैराग्वे 2018 में एंड उजबेकिस्तान्वेंटी एटीन में राइट इंडिया इज स्टिल इन क्यू इंडिया इज स्टिल फाइटिंग इट्स बैटल विथ मलेरिया ओके मलेरिया क्या है वी ऑलरेडी नो दैट मलेरिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग मॉस्किटो बॉर्न ब्लड डिजीज कॉज्ड बाय अ प्लाजमोडियम पैरासाइट्स इट इज

रेड ब्लड सेल की जगह यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि वो वाइट ब्लड सेल को रप्चर करते हैं राइट एंड देट्स वाई अगर आप कोई डिजीज के बारे में पढ़ रहे हो तो उसके बारे में सारी डिटेल जानना आपको जरूरी है उसका कॉज uh, क्या है वॉट इज द इफेक्ट एंड डू वी हैव द वैक्सीनेशन और डू वी हैव द प्रिवेंशन फॉर दैट ओके सो देर आर फाइव पैरासाइट स्पीशीज दैट कॉजिज मलेरिया इन ह्यूमन्स एंड टू ऑफ द स्पीशीज प्लाज्मोडियम फालसी एंड प्लाज्मोडियम विवेक्स पॉज दी ग्रेटेस्ट थ्रेट सिम्टम्स ऑफ मलेरिया क्या है तो फ्लू लाइक इलनेस होगी इंक्लूडिंग शेकिंग चील्स हेड एक मसल एक एंड टायर्डनेस मलेरिया हमारे यहाँ कोई नई बात नहीं है आए दिन हमको मलेरिया के केसेस देखने को मिलेंगे इट इज प्रिवेंटेबल एज वेल एज क्योरेबल डिजीज द आर टी एस एस वैक्सीन ट्रेन द इम्यून सिस्टम टू अटैक द मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम फालसी वैरम द मोस्ट डेडली स्पीसीज ऑफ दी मलेरिया पैरासाइट इंडिया में क्या स्टेटस है और डब्ल्यू एच ओ के क्या इनिशिएटिव है सो डब्ल्यू एच ओ हैज़ ऑल्सो आइडेंटिफाइड ट्वेंटी फाइव कंट्रीज विद पोटेंशियल टू इरेडिकेट मलेरिया बाई ट्वेंटी ट्वेंटी अंडर इट्स ई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव इनिशिएटिव इनिशिएटिव्स टू कर्ब मलेरिया इन इंडिया सो इन इंडिया मलेरिया एलिमिनेशन एफर्ट्स वर इनिशिए इन ट्वेंटी फिफ्टीन एंड वर Intensified after the launch of the National Framework for Malaria Elimination in 2016 by the Ministry of Health and Family Welfare.

The National Strategic Plan for Malaria Elimination was launched in July 2017, which laid down strategies for the following five years. It gives year-wise elimination targets in various parts of the country, depending upon the endemicity of malaria. तो जहाँ पे government को लगेगा कि malaria के केसेस ज्यादा हैं तो वहाँ पे root cause ढूंढा जाएगा उस root के root cause को clear किया जाएगा, वहाँ पे जो vaccination drive है उसको बढ़ाया जाएगा and thus the Uh, curbing of the malaria will be achieved. So implementation of high burden to high impact initiatives was started in four states. Those are West Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh in July 29. Distribution of long lasting insecticidal nest to high burden areas has led to a reduction in endemicity of these otherwise very high endemic states. The Indian Council of मेडिकल रिसर्च दैट इज आई सी एम आर एज एस्टैब्लिश मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया तो एक बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम चलाया गया है दैट इज मेरा इंडिया प्रोग्राम विच इज़ अ कॉन्ग्लोमोरेशन ऑफ पार्टनर्स वर्किंग ऑन वर्किंग ऑन मलेरिया कंट्रोल तो जो भी एजेंसीज या जो भी गवर्नमेंट बॉडीज मलेरिया कबिंग के लिए काम कर रहे हैं वो मेरा इंडिया इज द अम्बरेला फॉर ऑल ऑफ दैट राइट right. अगर आपको कोई भी ज़रूरत है मलेरिया से रिलेटेड तो मेरा इंडिया के तहत उन एजेंसीज़ को मदद की जाएगी सो इंडिया इज आल्सो ट्राइंग वेरी हार्ड टू अचीव द स्टेटस ऑफ मलेरिया फ्री कंट्री नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू अ न्यूली क्रिएटेड मिनिस्ट्री इन द कैबिनेट और वो है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन सो अ न्यू पुश टू कोऑपरेटिव सो इंडिया में काफ़ी बड़ी हिस्ट्री रही है कोऑपरेटिव मूवमेंट्स की हमारे पास आज भी कई सारी कोऑपरेटिव कंपनीज है राइट सो बेसिकली देखिए कोऑपरेटिव का आइडिया क्या है तो जहाँ वी आर सच ए लार्ज कंट्री और हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती या जहां पर प्राइवेट सेक्टर नहीं पहुंच पाता तो ऐसी जगह जहां पे गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर नहीं पहुंच पा रहा है वहां लोगों द्वारा बाय दी पीपल एक अगर कोई सिस्टम बनाया गया है सो so बेसिकली वो होगा आपका कोऑपरेटिव सो रिसेंटली अ सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रियलाइजिंग द विजन ऑफ सहकार से समृद्धि एंड टू गिव अ न्यू पुश टू कोऑपरेटिव मूवमेंट The government has signaled its deep commitment to community-based developmental partnership. It also fulfills the budget announcement made by the finance minister in 2021. So dekhiye this देखिए दिस positive note पॉजिटिव नोट कि गवर्नमेंट ने फेब्रुवरी 2021 में कुछ अनाउंस किया कुछ प्रपोज किया विद इन थ्री टू फोर मंथ्स द एक्चुअल आइडिया हैज़ बीन इंप्लीमेंटेड ओके सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन वरना पहले क्या होता था इन रेलवे बजट्स ऑल्सो के रेलवे बजट में काफ़ी सारे प्लान्स दे दिए जाते थे चार साल पाँच साल तक उनके ऊपर कोई काम स्टार्ट नहीं होता था देर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट जो सिर्फ ऑन पेपर रह जाते थे ओके ना वॉट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन सो इट विल प्रोवाइड अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री इट विल हेल्प डीपन कोऑपरेटिव एज अ ट्रू पीपल बेस्ड मूवमेंट रीचिंग अप टू द ग्रास रूट्स इट विल वर्क टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेस फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेसिस फॉर कोऑपरेटिव एंड अनेबल डेवलपमेंट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स कोऑपरेटिव को मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लाने के लिए यह मिनिस्ट्री बनाई गई है क्या है कॉपरेटिव सो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज आई जिसका इंडिया अभी चेयरमैन है सो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अ कोऑपरेटिव इज एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड वॉल्टरली टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक सोशल and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise. ओके okay? चलिए ये उसका डेफिनेशन हो गया उसको एक एकदम लेमेन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं मान लीजिए कि बॉर्डर का कोई आ, एरिया है राइट जहाँ पे प्राइवेट बैंक्स नहीं है गवर्नमेंट के इतना रीच नहीं है बट उन लोगों को भी आ, तो बैंकिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी उन लोगों को भी तो लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी अब अगर हर बार किसी को लोन लेने के लिए अपने गहने रखने के लिए लॉकर की जो ज़रूरत है उसके लिए अगर 500 किलोमीटर दूर के कोई बड़े शहर में जाना पड़ रहा है सो दैट इज़ नॉट अ वायबल सोल्यूशन एंड दैट इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन तो क्या होगा कि आस के, के गाँव वाले एक सम्लुकाज और डिस्ट्रिक्ट में कुछ जो गांव है वो लोग मिलकर एक ऐसी एजेंसी बना देंगे एक छोटी सी कॉपरेटिव बैंक बना देंगे जिनको चलाने वाले भी वो लोग होंगे जिनको संभालने वाले भी वो लोग होंगे और उनके बेनिफिशियरीज़ भी वही लोग होंगे राइट right? तो एक्स वाई जेड कॉपरेटिव बैंक बनाया जाएगा जिसमें आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं वो अगर अपना अकाउंट खुलवाना चाहे तो खुलवा पाएंगे अगर वो छोटी सी लोन लेना चाहे तो वहीं से ले सकेंगे अगर वो अपने गहने अपने कागजात किसी लॉकर में रखना चाहे तो वो फैसिलिटी वहाँ पे दी जाएगी सो सच काइंड ऑफ सिस्टम सच काइंड ऑफ आइडिया इज नोन एज कोऑपरेटिव ओके सो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ कॉपरेटिव सच एज़ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड मार्केटिंग ओके देखिए बेसिक डेफिनेशन में ही क्या है कि गवर्नमेंट मतलब उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी एसोसिएशन। ऑफ पर्सन यूनाइटेड वॉल्टर टू मीट देर कॉमन इकोनॉमिक सोशल cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise ओके सो द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैड डिकलेयर द ईयर ट्वेंटी ट्वेल्व एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉपरेटिव इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड बिगेस्ट कॉपरेटिव मूवमेंट इन द वर्ल्ड इन इंडिया अ कोऑपरेटिव बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल इज वेरी रिलेवेंट वेर ईच मेंबर वर्क विद स्पिरिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इंडिया में अगेन कोऑपरेटिव को मेन स्ट्रीम में आ, लाने के लिए मेन स्ट्रीम में इस्टेब्लिश करने के लिए आ, उस एम के साथ ये नई मिनिस्ट्री बनाई गई है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू जोग्राफिकल इंडिकेशन एंड गुजरात तो रिसेंटली गुजरात के भाल रीजन के जो गेहूं है जो वीट है उनको एक्सपोर्ट किया गया है ओके okay, नाउ वाई स्पेसिफ़िकली भाल रीजियन के गेहूँ बिकॉज भाल रीजियन के गेहूँ को जिसको हम भालिया वीट या भालिया गेहूँ के नाम से जानते हैं उनको जी आई टैग मिला हुआ है ओके okay, सो so हम दोनों के बारे में बात करेंगे गेहूं के बारे में भी बात करेंगे और जीआई टैग क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे सो रिसेंटली द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ़ जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफाइड भालिया वेराइटी ऑफ व्हीट वॉज़ एक्सपोर्टेड टू केनिया एंड श्रीलंका फ्रॉम गुजरात ओके सो देखिए जीआई टैग का नाम क्या है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मतलब है कि किसी अगर कोई एक स्पेसिफ़िक रीजन की कोई एक स्पेसिफिक चीज़ अगर काफ़ी मशहूर है ठीक है या काफ़ी पॉपुलर है इन दैट पर्टिकुलर रीजन तो उसको पूरी ग्लोबल मैप पे रिकोगशन दिलाने के लिए जीआई टैग दिया जाएगा के सो दालिया वेराइटी ऑफ वीट रिसीव्ड दी आई सर्टिफिकेशन इन जुलाई ट्वेंटी इलेवन दिस वीट हैज अन कंटेंट एंड इन इज स्वीट इन टेस्ट दिस क्रॉप इज ग्रोन मोस्टली अक्रॉस दाल रीजियन ऑफ गुजरात जो कि डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं अहमदाबाद आनंद खेड़ा भावनगर सुरेंद्र नगर एंड भरूच डिस्ट्रिक्ट दिस वेराइटी इज़ ग्रोन इन द रेन फेड कंडीशन विदाउट इरीगेशन तो क्योंकि ऑलमोस्ट जो सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वो सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात और मिड पार्ट ऑफ गुजरात में है तो वहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो जाती है तो ज़्यादा इरिगेशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है अदर जीआई प्रोडक्ट्स फ्रॉम गुजरात कौन से हैं तो लेटेस्ट इज द वुडन पेंटिंग ब्लॉक्स ऑफ पेथापुर फर्नीचर मेड इन संखेड़ा एगेट्स फ्रॉम खंबात, कच एम्ब्रॉयडरी जरी क्राफ्ट फ्रॉम सूरत पटोड़ा फ्रॉम पाटन बांधनी फ्रॉम जामनगर एंड केसर मैंगोज ऑफ गीर तो ये सारे जो गुड्स है या चीज़ें हैं उनको जीआई टैग एज ऑफ नाउ आज की तारीख तक मिला हुआ है फ्रॉम गुजरात वॉट इज़ जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस या वॉट इज जी आई टैग सो जी आई इज़ एन इंडिकेशन यूज टू आइडेंटिफाई गुड्स हैविंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डिफाइनाइट जियोग्राफिकल टेरिटरी ठीक है वो चीज़ जो है वो किसी स्पेसिफिक रीजियन में ही मैन्यूफेक्चर होती है और वहीं की वो स्पेशलिटी है इट इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन नाइनटी नाइन सी टू प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रिलेटिंग टू गुड्स इन इंडिया द एक्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाई द कंट्रोलर जनरल ऑफ़ पेशेंस डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स हु इज द रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इज लोकेटेड एट चेन्नई ओके सो okay, so चेन्नई से डिसीज़न बेसिकली लिया जाएगा कि कौन से गुड्स को जीआई टैग देना है

leaves from kerala dindigul lock and kandagal sari from tamil nadu odisha rasgulla and Shahilichi from bihar so these are some of the uh, recently uh, recognized goods as जी आई टैग्स एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ अ फोकस ऑन प्रमोशन ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ जी आई प्रोडक्ट्स तो देखिए क्या होगा अगर किसी गुड्स को जी आई टैग मिलता है तो एक तो उसको ग्लोबल रिकग्निशन मिलेगा जो चीज़ को पहले सिर्फ़ एक पर्टिकुलर रीजन में जाना जाता था या एक पर्टिकुलर स्टेट में जाना जाता था अब उसको पूरे कंट्री में या पूरी दुनिया में उसको रिकोगनीशन मिल गया तो इससे क्या होगा जो एक्सपोर्ट है Uh, वो बढ़ेगा एक्सपोर्ट बढ़ने से उस पर्टिकुलर कम्युनिटी या उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग uh, के साथ जुड़े लोगों को फ़ायदा होगा और लोकल एंड नेशनल इकोनॉमी को भी यहाँ से फ़ायदा मिलेगा रिसेंटली कंसाइनमेंट ऑफ धानू घोलवर्ड सपोर्टा वॉज एक्सपोर्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र पालघर डिस्ट्रिक्ट इज वेल ओके तो जी आई टेक के बारे में ये चीज़ें हमें जाननी जरूरी है वीट क्या है सो वीट इज़ अ राबी क्रॉप इट इज़ सोन इन अक्टूबर डिसम्बर एंड हारवेस्टेड ड्यूरिंग अप्रैल जून टेम्परेचर क्या चाहिए इसके लिए सो इसको टेम्परेचर जनरली चाहिए सोइंग टाइम पे टेन टू फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस एंड रिपनिंग एंड हारवेस्टिंग टाइम पे चाहिए ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी सिक्स डिग्री सेल्सियस विच इज दी ऑलमोस्ट द केस इन इंडिया रेनफॉल चाहिए सेवेंटी फाइव टू हंड्रेड सेंटीमीटर सॉइल टाइप कैसी चाहिए सो वेल ड्रेनड फर्टाइल सॉइल ज़रूरी है फॉर दी वीट क्रॉप मेजर वीट ग्रोइंग स्टेट्स इन इंडिया आर उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश राजस्थान बिहार एंड गुजरात इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना सक्सेस ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ राबी क्रॉप्स एस्पेशली व्हीट राइट सो इंडिया इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ वीट आफ्टर चाइना और हमारी जो जरूरत है वो हम इंडिया से ही पूरी करते हैं वी आर नॉट इम्पोर्टिंग वीट एनीमोर काफी टाइम काफ़ी साल पहले वी आर इन अचुएशन जहाँ हमें वीट इम्पोर्ट करना पड़ता था बट आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन हैपन्ड इट इज़ नॉट द केस एनीमोर नाव वी आर आत्मनिर्भर इन दिस केस ओके एंड दीज आर दीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश पंजाब एंड सो एंड सो okay so this was your today's lecture i hope you have uh, understood each and every topic if you face even a small difficulty in understanding in any of the topics uh, please contact us and we will help you till that time stay home stay safe stay happy